दो बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार सांसद बनने की इच्छा के साथ आपके सामने हूँ। कितने परसेंटेज के साथ आप हमें जिताने वाले? यस बहुत सारे रेलवे करना है। यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक जो बना था मथुरा वृंदावन के में, उसका रोड का करके उसके बाद उसमें एक मेट्रो जैसा एक पिलर लगा के ट्रेन का भी हम करने की सोच रहे हैं। मैं इस बार तीसरी बार मुझे टिकट मिला है प्रत्याशी के रूप में, अभी आप सबके सामने हूँ। दो बार सांसद रहने के बाद तीसरी बार सांसद बनने की इच्छा के साथ आपके सामने हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे जिताएंगे जरूर, लेकिन बात ये है कि कितने परसेंटेज के साथ आप हमें जिताने वाले, ये देखने वाली बात है। आप सब में बहुत उत्साह है, उल्लास है। बहुत दिन तक चलना है और 26 तारीख को वोट दिलाना है कि उस तब तक आपको अपना सेहत सब एकदम फिट रखना है। घर घर जाना होगा, सबको बताना होगा, घर में से सब लोगों को बताना होगा आपका ये काम है। बहुत मुश्किल का काम है कि हमेशा प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, वो हमेशा जो भी भाषण करते हैं हम लोगों के लिए भी पार्लियामेंट के अंदर भी हमेशा कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान देते हैं। वो हमेशा कहते हैं उनकी वजह से हम लोग जो भी हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस आपको दिया जाता है। मुझे खुशी है कि मैं तीसरी बार मुझे अवसर मिल रहा है ब्रजवासियों की सेवा करने का। भगवान श्री कृष्ण की इस धरती पर तीसरी बार रहना एक बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और राधा रानी की इच्छा से मैं हूँ यहाँ पर। कहते हैं ना आप लोग ब्रजवासी हैं, सुनिए एक मिनट, आप लोग ब्रजवासी हैं, आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि राधा रानी की अनुमति के बिना ब्रज में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, करेक्ट है? तो यही मैंने मानती हूँ इस बात को। तो इस बार मुझे अगर मुझे वापस चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास करके मुझे वापस इस चुनाव में लड़ने का अवसर दिया है। इसका संपूर्ण पूर्ण करेंगे आप लोग, मैं तो तैयार हूँ। आप जैसे जैसे कहाँ जाकर मिलना है, जाकर मीटिंग्स अटेंड करना, वो सब कुछ मैं भी करूँगी, लेकिन ये उद्देश्य यही है कि यहाँ का विकास और करना है। जितना किया उतना कम है, वो तो मन में तो बहुत इच्छा होती है कि बहुत कुछ करना है, क्योंकि हम देश विदेश भी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। आप लोग कंपेयर करके देखिए कि फॉरिन कंट्री में कैसा, एक छोटी सी जगह पर कैसा रखा हम लोगों ने। लाइक इटली में जाएंगे तो फ्लोरेंस वगैरह है, फ्लोरेंस रोम इटली ना, वहाँ पे एक एक जगह को बहुत सुंदर सा रखा हुआ है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे भी टूरिज्म बढ़ेगी, इतना बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा बहुत सारी इच्छाएं हैं कि वो मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पर तीसरी बार रहकर ब्रज 84 कोस परिक्रमा का मार्ग को स्वच्छ करना है, उसमें सुविधाएं देनी है और यमुना की शुद्धिकरण करनी है और बहुत सारे रेलवे मार्ग से करना है। यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक जो बना था मथुरा वृंदावन के में, उसका रोड का करके उसके बाद उसमें एक मेट्रो जैसा एक पिलर लगा के ट्रेन का भी हम करने की सोच रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को अनुमति के साथ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप सब लोगों से पूछ के करेंगे, क्योंकि पूछे बगैर करने से प्रॉब्लम होता है। आप लोग रोड दे देते हैं आपको, है ना, कहते हैं कि यहाँ से जाने का रास्ता चाहिए, यहाँ से जाइए, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, उसको समझ कर हमें भी उस काम को आगे बढ़ाना है। ऐसा और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर मथुरा का, बहुत ही ब्रज कला जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको और भी आगे बढ़ाना है, ताकि
वर्ल्ड में से लोग आकर हमारे यहाँ आकर देखें और बहुत सुंदर से थिएटर्स भी बनाए हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कलाकार हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हमारे स्थानीय कलाकार, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छा सा थिएटर भी बना हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है मुझे करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लेकर आ रही हूँ, आई हूँ, वो सब अभी काम शुरू होगा।